नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। तेजी देख पिगर बिलीक पगल लाग लपीट, बिल्कुल तेजी अंदाज में थोड़ी सी चर्चा कर लें। सब लिखो हुआ है तो देख के ही बताएंगे आपको, और आपको तना गौर फरमानो है यहाँ पे। ये जो टांग खिंचाई हैरी का आए यहाँ पे, थोड़ी सी सुन लो, अगर सही लगे तो कमेंट के माध्यम से बता देंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारो मतलब खबर दिखानो है, समाज को जागरूक करना है, या तो अलग हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। खबर कोई ज़रूरी नहीं है कि सब सपा के फेवर में हो, बसपा के फेवर में हो, या और गाय के फेवर में हो। यहाँ कोई गाय को फेवर नहीं है। हम बेवागी दे अपनी बात को कह रहे हैं, अच्छी है सके बुरी, लेकिन जो भी है हम कह रहे हैं और जो हमें सामने दिख रहा है वह को कह रहे हैं। अब बात को आगे को आप समझ जाओगे। चलो मुद्दा पे आ जाएं। पुरानी कहावत है, दुश्मन को दुश्मन दोस्त हो। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश है, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, इनमें ये दिखाने की होड़ जरूर मची है कि भाजपा को विजय रथ रोकने में वो ही सक्षम है। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हम ही सक्षम हैं। अखिलेश तो कर भी चुके हैं, बाकी सब यही जुगाड़ में लगे हैं कि भैया हम सक्षम हैं, लगे हैं ना। लेकिन यदि विपक्षी एकता की मुहिम यही तरह से चली, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ उनमें एकता की संभावना देखें तो उन्हें निराशा जरूर हासिल होगी। ये विपक्ष ही एक दूसरे के दुश्मन है, मतलब यहाँ जो विपक्ष है वही एक दूसरे को दुश्मन है। विधानसभा चुनाव को 6 महीना है गुजार रहे हैं। सभी दलन की नज़र स्वाभाविक तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव पर टिकी है। विपक्ष के सामने राज्य की 80 सीटों पर भाजपा से पार पाने की चुनौती है। लेकिन ज्यादातर रहते सपा और बसपा नेता द्वारा एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वाते फिलहाल तो दोनों दूर दूर तक साथ आते नहीं दिख रहे हैं। कहाँ थे साथ आएंगे, आएंगे ही ना, वहाँ आपस में खींचतान है रही है, कदई वार चल रो है। बेहतरीन तरीका थे शब्द वाण चल रहे हैं, गते चल रहे हैं, उंगते चल रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के हाल या सियासी घटनाक्रम ते भी विपक्षी कछु सीखने को नहीं दिख रहे, तैयार नहीं है। यहाँ धुर विरोधी लालू नीतीश ने अपने दुश्मन से निपटने के नैया हाथ मिलाया और भाजपा को सत्ता से बाहर को रास्तों दिखा दियो। ऐसो नहीं है कि यहाँ पहले कभी कोई ऐसो प्रयोग नहीं हुआ होगा। वर्ष 1992 में कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद गठबंधन की सरकार राज्य में बनती रही, एक दूसरे के समर्थन से सरकार बनाने गिराने को दौर। 1.5 दशक बाद वर्ष 2007 में बसपा के 403 में थे अकेले दम पे 206 विधानसभा सीट जीतने के साथ थमो। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस मिले, लेकिन भाजपा को 1.5 दशक बाद सत्ता में आने थे रोक नहीं सके। 1 दशक पहले सपा के मुकाबले में सूबे की सत्ता से बाहर होने वाली बसपा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे 0 पर सिमट कर रह गई और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में हाशिए पर रही। तब कहीं वर्ष 2019 को लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की हिम्मत मायावती नहीं जुटा सकी, या उन्होंने अपनी ये मुनासिब नहीं समझो, और बसपा प्रमुख ने मजबूरी में ही सही या जानबूझ के सही, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव थे पुरानी दुश्मनी को भुला के सपा प्रमुख अखिलेश यादव थे हाथ मिलाया और सपा बसपा और रालोद के साथ आने थे भाजपा गठबंधन, जहां 72 से घटकर
64 लोकसभा सीटन पर आयोग, वहीं बसपा 0-10 सीटन पर पहुंच गई। सपा 5 पर और अलग लड़ी कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। बीते विधानसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े दावे करे। पश्चिम से रालोद और पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाली सुभा सपा सहित अन्य दलन के साथ मिलकर ताल ठोकी, लेकिन भाजपा को सत्ता में वापस न कर सकी, वापस आने से न रोक सकी। विपक्षी गठबंधन 125 पर सिमट गयो तो अलग लड़ी बसपा 1 और कांग्रेस 1 सीट पर रह गई। भाजपा यहाँ पूरे विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सपा बसपा के तीर एक दूसरे पर ही चल रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम बहुल रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में जाता रहते सपा को अपनी दोनों सीटें गंवानी पड़ी, या तो बसपा को लोकसभा चुनाव में अपने लिए संभावना की नई जमीन दिखन लगी है। बसपा प्रमुख मायावती यही बताने की कोशिश में जुटी हैं कि सपा नहीं बल्कि बसपा ही भाजपा के विजय रथ को रोकने में सक्षम है। मायावती सपा पर भाजपा से मिले होने को आरोप लगाती हुई मुस्लिम समाज को के बताने की कोशिश में है कि सपा को साथ देकर मुस्लिम समाज ने बड़ी भूल करी है। मायावती पीएम बनने संबंधी अखिलेश के बयान पर भी तंज करे हैं। सपा मुखिया उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव को पूरा वोट व कई पार्टियों से गठबंधन कर भी जब अपनी सीएम बनने को सपनों पूरा नहीं कर सके तो दूसरे को पीएम बनाने के सपने को क्या पूरा करेंगे। अखिलेश भी मायावती पर हमले करने में पीछे नहीं है। सपा प्रमुख कह रहे हैं कि बसपा वही कर रही है जो भाजपा बातें करने के नहीं कह रही है, या लिया मायावती के निशाने पर भाजपा नहीं सपा है। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि मायावती भाजपा से नहीं लड़ रही, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में कैद हैं और उन्हें लगातार लगे है कि उनको जेलर दिल्ली में बैठो हुआ। बसपा को नाम लिए बिना उन्होंने भाजपा को लाउड स्पीकर बताते हुए अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं कि इनको माइक कहीं और है। ऐसे नालबंद दलों को आक्रोशित जनता 2024 के चुनाव में सबक सिखावेगी। दोनों ही दल समझे हैं कि मुस्लिम समुदाय व पार्टी के साथ नहीं जागो जो उन्हें भाजपा के साथ लगे हो, यानी कि मुस्लिम समाज के साथ बिल्कुल नहीं जागो जो वाकू भाजपा के साथ लगेगो, जो दल वाकू लगेगो कि भाजपा के खिलाफ है वागे संग मुस्लिम समाज जागो। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, आपकी भी पूरी समझ में आ रही होगी। पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट रायबरेली तक सिमटी चूंकि कांग्रेस के सामने, तो यह सीट पर कब्जे जमाए रखना ही बहुत बड़ी चुनौती है। तो सगरी खबर को दारमदार ये है कि अगर ऐसे ही अलग अलग चलते रहे तो मामलो बहुत कठिन है जागो और बहुत कठिन है जाएगी डगर पनघट की। या लइयाँ सोच समझ के चलना चाहिए और आपस में अगर कोई तालमेल है सके तो फिर इतने संबंध एकदम ख़राब नहीं करने चाहिए। अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि उनके वो बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं, उनको मान सम्मान अखिलेश यादव को करना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी ते भी जो युवा नेता हैं उन्हें भी सोच समझ के कछु बोलना चाहिए, क्यों कि अगर कोई तालमेल है सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हमले करने को तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हमला करते रहो, लेकिन ऐसे हमले से कोई फ़ायदा नहीं है कि जीरो बटे सन्नाटे पे सब रह जाएं और ये बुलडोजर ऐसे ही घनघना तो रहे और मुस्लिम समाज ऐसे ही त्रस्त रहे और बहुजन समाज सिर्फ अपनों जिंदा रहने को ही विकास समझे, ऐसो ना हो तो बेहतर है। क्यों कि अभी आज सिर्फ 2024 की बाकी है, अगर यहाँ में भी मिस्टेक अगर हुई तो बहुत ही दिक्कत भरी बात है जाएगी। यहाँ में कछू उल्टी सीधी बात आपको लगी हो तो वो मालूम ना, आप सुन रहे हो समझ रहे हो, लेकिन अपनों कहने को सिद्धांत और मतलब सिर्फ एक है कि मिलजुल के मामले को निपटा लो तो ज़्यादा बढ़िया बात है, वरना ऐसे ही ट्वीट चलते रहेंगे, कछु ना होगो मामलो ख़राब हो जाओ। अभी वक्त है, अभी बेटी बाप के घर है, सीधी सीधी बात की है तो मामले को सुलटा लो, अच्छी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने में कोई फायदा ना। नहीं
ईडी सीबीआई बिल्कुल तैयार बैठी है, सबकी चूड़ी चढ़ावेगी, एक लंग तक आइए ना छोड़े या लिया। बस अब क्या कहनी है, अब तो आप समझ ही रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, लेकिन बात बिल्कुल हमने तो अंतरात्मा की करी है और बेबाकी तो करी है। अच्छी लगी हो शेयर करो, अच्छी ना लगी हो तो बेशक मत करो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के नहीं आ तैसी देख बिगर ब्रेक पागल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।